हाँ, नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टूटके पर। बंधुओं, आज के वीडियो में बताने वाले हैं माँ लक्ष्मी गायत्री मंत्र। इसके बहुत ज्यादा लाभ हैं, क्या क्या लाभ हैं हम आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसमें हमारा ग्रुप है एक, जिसको आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, लिखेंगे कागज पर टूट के, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप में हमने काफी कुछ शेयर करा है, काफी लोगों को लाभ मिला है, उनके मैसेज हम दिखा देते हैं, मगर उनका नाम छुपाना पड़ता है ताकि प्राइवेसी का पूरा ध्यान रहे। और इस ग्रुप में कोई भी आपका नंबर नहीं देख पाएगा हमारे सिवा, क्योंकि हमारा ग्रुप है इसलिए हम देख पाएंगे। और हम आपको किसी भी दिन मैसेज कर देंगे और आपसे आपकी व्यक्तिगत समस्या के अनुसार आपको उपाय बता देंगे। बात करते हैं माँ लक्ष्मी गायत्री मंत्र के बारे में। मंत्र है ओम माँ लक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। यह मंत्र है और इस मंत्र का जाप कैसे कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, मगर इसके लाभ समझ लीजिए। सभी भौतिक सुख का मतलब समझ लीजिए, घर, मकान, पैसा, व्यापार अच्छा चले, गाड़ी हो, उसमें बहुत आपको मदद करता है ये मंत्र। नकारात्मक दोष यानी कि दरिद्रता, खास तौर पे चोरी चकारी से भी बचाता है, तो नकारात्मक दोषों से ये बचाता है। नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है, जैसे किसी की नजर लगना, बच्चों पर नजर लग जाती है अक्सर, या व्यापार पे लग जाती है नजर, नौकरी पे लग जाती है, तो उससे भी आपको बचा के रखता है। घर, जमीन, अचल संपत्ति, इनमें बढ़ोतरी होती है। घर में बढ़ोतरी का मतलब, अगर आपका पहले एक कमरे का घर था तो दो कमरे में, दो का था तो तीन में, एक मंजिला था दो मंजिला, इसमें मतलब बढ़ोतरी ही होती है। और कैसे करना है ये, कमल गट्टी की माला लेनी है आपको और घर में श्री यंत्र स्थापित करें, रखें, और साथ में कमल गट्टी की माला से इस मंत्र का जाप करना है। सोमवार से इसको शुरू करें आप, फिर आप देखेंगे इसमें आपको अद्भुत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे मिलता है। कितने दिनों तक तो करना है, रोज करना है, नियम से करना है, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को नहीं करना है, और फिर आप खुद देखेंगे धीरे धीरे इसमें लाभ मिलना शुरू होगा, यदि आपने बिल्कुल ही सकारात्मक सोच के साथ ये उपाय किया तो। हमारा एक YouTube चैनल आने वाला है जिसमें हम ज्योतिष के बारे में बताएंगे, हस्तरेखाओं के बारे में बताएंगे, बिल्कुल साधारण भाषा में, ताकि सबको समझ में आ सके। जल्दी आने वाला है। यहाँ तक वीडियो देखा हमने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।